दो वर्ष से अधिक समय से रूस, यूक्रेन और इसराइल गाजा पट्टी के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इन चारों देशों में चल रहे युद्ध से ताज नगरी की शू इंडस्ट्रीज को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताज नगरी से देश भर के विभिन्न देशों में शूज एक्सपोर्ट होता है। दो वर्ष से अधिक समय से रूस, यूक्रेन और इसराइल गाजा पट्टी के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इन चारों देशों में चल रहे युद्ध से ताज नगरी की शू इंडस्ट्रीज को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताज नगरी से देश भर के विभिन्न देशों में शू एक्सपोर्ट होता है। पहली बात तो आपस में वॉर नहीं होती है, आपस में तो मोहब्बत होती है। तो खैर, ये चार देशों के बीच में जो वॉर चल रही है, ये भी गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। USA में इलेक्शन होने हैं, जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक कोई पिक्चर साफ होके नहीं निकलेगी। लेकिन आम आदमी, बिजनेसमैन, जो मीडियोकर बिजनेसमैन होता है, उसको फर्क पड़ता है। शहर के प्रमुख शू एक्सपोर्टर्स में शुमार पार्क एक्सपोर्ट्स के CEO नजीर अहमद ने कहा कि रूस, यूक्रेन, इसराइल गाजा पट्टी के बीच चल रहे युद्ध के पीछे विश्व के बड़े देशों का हाथ है, जो विश्व में शांति देखना नहीं चाहते हैं। कहीं पे भी जब वॉर होते हैं तो वो सीधा महंगाई के ऊपर ही उसके मार पड़ती है और हर चीज महंगी होती चली जाती है। जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगा हो जाता है, तो हर मैन्युफैक्चरर को फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वॉर के ज़माने में जो ख़रीदारी है वो भी लोग है ना फूक फूक कर करते हैं, तो डिमांड भी कम हो जाती है, तो वॉर का तो फर्क पड़ता ही है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।